क्लास फोर के बच्चों को उसके हिंदी किताब से एक्सरसाइज एट तेनालीराम जो पढ़ाया जा चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर को भी मैंने लिखा दिया है। अब इस चैप्टर के कुछ व्याकरण काम व्याकरण वर्क जो हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, आप इसके व्याकरण वर्क को करेंगे। अब जैसे इसमें तो है सबसे पहले भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द का मतलब होता है जो भिन्न अर्थ, अलग अलग अर्थ देने वाला। भिन्न जोड़ अर्थ, भिन्न का मतलब अलग अलग, अर्थ का मतलब उसका अर्थ। तो भिन्नार्थक शब्द का मतलब एक शब्द के अलग अलग अर्थ। अब यहाँ देखिए, जैसे एक शब्द है आम, तो आम फिर दूसरे जगह भी आम ही लिखा हुआ है। तो आम शब्द क्या है? एक शब्द का मतलब होता है खाने वाला, एक शब्द का मतलब होता है सामान्य। तो मैंने इसका वाक्य में प्रयोग करके यहाँ बना दिया है। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि आगे भी बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जिसका आपको वाक्य बनाना होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है उसी में, निम्नलिखित अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखिए। ये सब शब्द की शब्द को समृद्ध करने के लिए। अब जैसे कविता लिखने वाले को क्या कहा जाता है, बोलने में जो चतुर है उसको क्या कहा जाता है, दूसरों को हंसाने वालों को क्या कहा जाता है, इस तरह से आप एक्सरसाइज एट के व्याकरण कार्य को कर लीजिए। अब इसके बाद एक चैप्टर और है इसी में, देखिए यहाँ वर्ण विच्छेद किया गया है, इसको आप बना लीजिएगा। इसके ऊपर आप देखिए तो विशेषण और विशेष्य, तो विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। जैसे विद्वान तो भट्टाचार्य, स्वादिष्ट तो भोजन, प्रसिद्ध कवि, इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ देखिए मुहावरा दिया गया है, इससे वाक्य बनाना। तो एक को तो मैंने बना दिया है, बाकी एक का आप यहाँ बनाएंगे और दो यहाँ हैं, इसको आप लोग खुद से बनाएंगे और तब आपका प्रश्नोत्तर पहले से बना हुआ है, व्याकरण कार्य कर लेंगे तो आपकी समृद्धि होगी, आपका हिंदी भाषा ज्ञान कौशल बढ़ेगा।